इस बीच सीधा रुख कर लेते हैं यूपी के हापुड़ जिले का। हापुड़ जिले में इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। इनमें 8 लोगों की मौत हो गई है। जी हाँ, यूपी के हापुड़ जिले में इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कुछ लोग घायल हो गए हैं। मौके पर पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंच गई हैं। राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। संभावना है कि अभी मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। आपको बता दें कि यूपी के हापुड़ जिले में इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है, जिनमें 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हापुड़ के आईजी प्रवीण कुमार ने बताया कि एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माण इकाई में हुए विस्फोट में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की जांच की जा रही है। जो भी आग के हादसे में जिम्मेदार होगा उस पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। वहीं फैक्ट्री में दोपहर करीब 3 बजे आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। हादसे में अब तक 8 शव बरामद किए जा चुके हैं, जो काफी जल गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि इनकी मौत जलने और दम घुटने से हुई है।